शहीद दिवस पर 91 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ तिरंगा यात्रा देश के शहीद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए एबीवीपी और दूसरे संगठनों द्वारा आज मुरादाबाद में एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 91 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज लेकर लोग चल रहे हैं। दरअसल आज 23 मार्च को देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि आज ही के दिन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था। इसलिए देश उन वीर सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए अलग अलग ढंग से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में एबीवीपी और अन्य हिंदू संगठनों ने वीर सपूतों को याद करते हुए एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हैं और ये लोग अपने अपने हाथों में 91 मीटर लंबा तिरंगा लेकर चल रहे हैं। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हैं। मुरादाबाद के पंचायत भवन परिसर से शुरू होकर ये यात्रा शहर की मुख्य सड़कों से होते हुए इसी स्थान पर समाप्त होंगी। आज का कार्यक्रम ये तिरंगा यात्रा जो आप देख रहे हैं, कितनी भव्य तिरंगा यात्रा है। इस यात्रा को पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। ये उन शहीदों के नाम एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपने जीवन का बलिदान किया। वो बलिदान जो 23 मार्च को इस देश के बच्चे बच्चे को याद कराना है, आने वाली पीढ़ियाँ समझे कि ऐसे महापुरुष, ऐसे जवान जो 25-25 साल की उम्र के अंदर शहीद हो गए, इनकी शहादत, इनके अपने बलिदान से आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। बंधुओं, में आज एक बात आपको और बता दूं, इन शहीदों को समाज, ऐसे लोगों ने इस देश के ऊपर राज करा जिन्होंने इन शहीदों को भुला दिया। ये बलिदान 23 मार्च लोगों को याद नहीं था। यहाँ पे क्या मनाया जाता था, एक इटली की राजकुमारी बैठ के कहती है वैलेंटाइन डे, क्योंकि जो वैलेंटाइन महाराज थे वो इटली के थे, रोम के थे। ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को इस बात की याद दिलाता है कि 23 मार्च के दिन हमारे देश के तीन महान सपूत, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम दिया। बंधुओं, मैं आपको ये बात दिखाना बताना चाहता हूँ, इस 23 मार्च की से पूरे देश के अंदर ये रैलियाँ मनाई करी जा रही हैं, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। सारे देश के बच्चा बच्चा इस दिन को याद करेगा कि जिस दिन ये तीन महान विभूतियाँ, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। हम ऋणी हैं इनके, हम ऋणी हैं उन माता पिता के जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया। आज के कार्य के क्या रूपरेखा रहेगी सर? एक तिरंगा यात्रा जो आप देख रहे हैं कि कितनी भव्य तिरंगा यात्रा है इसके अंदर, और सब आप एक चीज देखिए, सब 18 से 25 साल तक के अधिकतर लोग इसमें भाग ले रहे हैं। कहां से कहां तक कितना लंबा रहेगा? ये तिरंगा यात्रा रेलवे हॉस्पिटल से प्रारंभ हुई और पंचायत भवन में आकर समाप्त हुई। तिरंगा कितना लंबा है? कितना तिरंगा? तो बड़ा तिरंगा की मात्रा, तिरंगा तो हमारा बहुत लंबा, देख लो आप, 91 फुट का, 91 फुट।